हे गाइस, नमस्ते कैप जो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो कुछ ऐसा क्लिप हुआ कि साउंड आया हुआ ही नहीं है, गोप्रो ने फिर से एक बार धोखा दे दिया है। तो गोप्रो धोखा देने में बहुत ही होशियार है कभी साउंड नहीं आ रहा है, कभी वीडियो नहीं आ रहा है। तो ये तो अच्छा है कि उतना इम्पोर्टेंट क्लिप नहीं था, इसके लिए मैं इसे दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेरे नए R15 वर्जन 4 का एग्जॉस्ट चेंज करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने पुराने वाले एग्जॉस्ट वीडियो में देखा होगा कि बहुत ही सारे एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको सुनाए हुए थे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा अगर आपको बहुत सारे साउंड सुनने हो। और यहाँ आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग। और आज हम लोग एक और नया एग्जॉस्ट आया है और जो मेरा फेवरेट R1M वाला है वो डलवाने वाला है। तो अभी हम मिर्ज़ापुर जाएंगे और सीधा डलवा के ही आने वाले। तो फाइनली वी गॉट अ एग्जॉस्ट फ्रॉम एक्रापोविक, तो एक्रापोविक का ही एग्जॉस्ट हम डलवाने वाले हैं। तो बोले इस वीडियो को देखते रहिए, चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट निकाला जा रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ से बॉडी को ओपन कर रहे हैं और हमारा पुराना एग्जॉस्ट निकल जाएगा। तो इसमें बैंड पाइप भी निकल जाएगा, मतलब कि ये R15 में पूरा एग्जॉस्ट आता है। तो आपको जैसे बुलेट वगैरह में हाफ मिलता है वैसा नहीं है, तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बैंड पाइप आएगा, फिर बैंड पाइप के बाद हमारा एक और नया एग्जॉस्ट लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो पार्ट में आया हुआ है हमारा बैंड पाइप। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगेगा, यहाँ पे छोटा सा कैटालिक कन्वर्टर भी दिया है। तो काफ़ी अच्छा खासा गेज है, उतना भी लाइट वेट नहीं है और उतना भी भारी नहीं है, थोड़ा लाइट वेट ही है, मतलब मीडियम है। और इसका दूसरा पार्ट तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल होगा पूरा सिस्टम हमारा। तो चलिए अभी लगाते हैं, बाद में आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट यो लो। यहाँ पे सेंसर लगा दिया है, तो यहाँ पे कुछ नया आया हुआ है R9 का कुछ एग्जॉस्ट है, वो हमने लगाया हुआ है। तो अभी चालू करके मैं आपको ये सुनाता हूँ। चालू करूँ? सेंसर लगाई दी तू, सॉकेट लगाई दो। तो इसमें डीबी किलर भी आता है, तो वो निकाल के भी मैं आपको सुनाता हूँ कैसा साउंड आ रहा है। ये डीबी किलर निकाल दिया है, अभी एक और बार साउंड सुनते हैं हम लोग। ये विदाउट डीबी किलर वाला साउंड था जो आपने सुना। तो वैसे एग्जॉस्ट दिखने में तो काफी अच्छा है, R9 रेसिंग जनरेशन वाला है एग्जॉस्ट, और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसके अंदर कवर दिगर भी लगा सकते हो उसको। तो ये कवर है प्रोटेक्शन के लिए, आपको हीट डायरेक्ट पांव पे नहीं लगेगा, सॉलिड आएगा। काफी अच्छा क्वालिटी इसका अच्छा है। और एक हमारा फेवरेट R1M वाला भी लगा के दिखा दीजिए। पहले फिटिंग देखो उसको, हाँ कम हैवी फिटिंग है, सब SS बॉडी हो। और ये हमारा फेवरेट R1M वाला, मुझे तो ये पर्सनली ये बहुत पसंद है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसमें डीबी किलर नहीं आता है,
लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और साउंड भी बहुत ही अच्छा है इसका। चलिए भाई इसको डाल के दिखाइए। तो ये देखिए एक्रापोविक का है, तो इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें आपको डीबी किलर नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये पर्सनली ज़्यादा पसंद है। तेरे को कौन सा पसंद आया? ये वाला। तो ये वाला ही डलवा देते हैं, काफ़ी पॉपुलर भी है और स्वीट साउंड आ रहा है, तो यही डाल दीजिए भैया। आप आ सकते हो यहाँ पे समीन भाई की शॉप बाइकर पॉइंट अहमदाबाद, जो कि मिर्ज़ापुर में है, तो लिंक में आपको इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। तो गाइस आप लोग सुन रहे हैं R1M का एग्जॉस्ट साउंड, आप सुन सकते हो कि किस तरह का इसका साउंड आ रहा है। तभी मैं थोड़ा और तेज चलाता हूँ, बाद में भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा साउंड आ रहा है। प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जो एग्जॉस्ट का फ्लो था ना, उसके बीच में से कुछ हटा दिया है, इतना फास्ट फ्लो आ रहा है और ऐसे बाइक में कुछ अलग सा ही चेंज हो गया है चलाने में। ऐसा लग रहा है काफ़ी स्मूथ ज़्यादा हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। फिर पता नहीं क्या है, मेरा वहम है कि क्या है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थोड़ा जब भी ये थोड़ा ज़्यादा RPM पे चलती है बाइक तो थोड़ा ज़्यादा नॉइस करता है, तो अभी उसका हैबिट नहीं है अपने को, तो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन काफ़ी स्वीट है, ऐसा बैड साउंड नहीं आ रहा है। और जब भी मैं इसको ऐसे ऐसा कर देता हूँ ना, बाद में जो साउंड आता है ना वो एक नंबर आ रहा है, ऐसा ऐसे एकदम मजबूत साउंड आ रहा है। फिर जब भी अगर ट्रैफिक में खड़े रहते हैं तब ऐसे वो वाला साउंड, ये जो करते हैं ना रेव करते हैं अपने, तब भी वाला जो साउंड आ रहा है वो तो गजब आ रहा है। लेकिन ये जब चलता है ना तब थोड़ा मुझे स्लाइटली ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देखते हैं थोड़ा यूज्ड टू होते हैं बाद में कैसा लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुड़ मुड़ के ना देखो दिल भरो वैसा ही सॉन्ग मैं यू क्यों गा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। पहले इतना नोटिस में नहीं हो रहा था क्योंकि इसका साउंड ही नहीं था। जो साउंड है वो बहुत ही इफ़ेक्ट करता है आपकी बाइक्स में, जैसा ऐसा स्पोर्ट्स बाइक जैसा साउंड लग रहा है ना, तो काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे हैं मुड़ के, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और क्या है, मुझे ऐसा थोड़े लाउडिश बाइक ज़्यादा पसंद है। अभी क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं तब मज़ा आता है, देख रहा हूँ। हाँ मतलब कि एक सेकंड का भी बहुत ही छोटा सेकंड होता है, जो मिली सेकंड बोलते हैं, उतनी देर के लिए बंद हो जाता है साउंड, फिट हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है भाई लोग। तो कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ जो बैंड पाइप है वो कैटलिक कन्वर्टर और सेंसर के साथ आया हुआ है, तो जो दो पार्ट में आपने देखा होगा बैंड पाइप और SS का बैंड पाइप है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, उतना भी हाई क्वालिटी का नहीं है, मीडियम क्वालिटी का है बैंड पाइप, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो वो मुझे करीब पड़ा 2700 रुपये में, और जो ये मैंने एग्जॉस्ट डलवाया है वो पड़ा है 4500 रुपये में, और कुछ 200 रुपया लेबर लिया हुआ है फिटिंग चार्ज करने के लिए, तो कुछ करीब 7300 हो रहा था मेरा टोटल। तो फिर मैंने कुछ मिला के आपको बताऊँ ना कितने 7000 रुपीज़ में मेरा ये पूरा काम हुआ है।
सो ऐसा सेटिस्फेक्शन है मुझे उतना, लेकिन मुझे थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा लगा प्राइसिंग, लेकिन कोई बात नहीं, इतना अच्छा क्वालिटी भी जो दिया हुआ है, जो एग्जॉस्ट है वो दी बेस्ट है ये, लेकिन इसमें डीबी क्लियर नहीं है तो मैं साउंड को थोड़ा कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। वो आर नाइन वाला जो आपने एग्जॉस्ट देखा था उसमें डीबी क्लियर था, उसका भी प्राइसिंग सेम रहेगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। कहीं अगर कोई और जगह पे होते हो तो 6 से 7 हज़ार के बीच में आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा बैंड पाइप के साथ। बढ़िया लग रहा है, साउंड काफी अच्छा आ रहा है भाई। ऐसा करते हैं ना अपने ऐसे, वो मस्त आ रहा है भाई, मुझे तो ये ही बहुत ही पसंद आ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग के वही क्वेश्चन थे कि भाई एग्जॉस्ट डलवाने के बाद अपना एवरेज डाउन होता है कि नहीं होता है, तो मेरी चैनल पे आपको सब कुछ प्रैक्टिकल ही देखने को मिलेगा, तो हम उसका भी माइलेज टेस्ट करेंगे। जब भी हमने एग्जॉस्ट चेंज करवा दिया है, अभी जब पूरा हमारा फ्यूल टैंक खाली होगा तब अपने 1 लीटर डाल के इसका टेस्ट करेंगे कि कितना चलता है ये एग्जॉस्ट चेंज करवाने के बाद। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है, बहुत ही सारे मॉडिफिकेशन मैं करने वाला हूँ। तो अभी मैं नीचे उतर के भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एग्जॉस्ट का लुक कैसा आ रहा है। आप लोगों को अभी साउंड सुना दिया है मैंने, तो देखते रहिए चैनल को। मैं अभी आगे जाके जहाँ थोड़ा शांति वाला जगह होगा वहाँ जाके आपको पूरा एग्जॉस्ट भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्रोपोविक का मेरा एग्जॉस्ट लग चुका है। आप देख सकते हो बाइक काफ़ी खूबसूरत लग रही है और बाइक के साथ ये काफ़ी अच्छी तरह से मैच भी हो रहा है हमारा ये एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट, आप ये नज़दीक से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये कार्बन फाइबर का है, लेकिन नहीं, ये थोड़ा प्लास्टिक का है और डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक ये एग्जॉस्ट अलग से आता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से अपने तक वहाँ आगे तक अपने इंजन तक दो बैंड पाइप के हिस्सों में लगा हुआ है। तो जो आपने देखा होगा यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर भी है, साथ में कैटालिक कन्वर्टर भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये डॉगी आ गया, कैसे हो भैया? तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे ये। तो ये रोड इसलिए मैंने पसंद किया कि यहाँ पे डेड एंड था, लेकिन यहाँ पे ये हमारे दोस्त आ गए हैं, उनको भी शायद ये आवाज़ सुननी चाहिए, तो मैं आपको एक और बार चालू करके दिखा देता हूँ, आप देखना। ओ दोस्त लोग भाग गए। तो ऐसे जब भी हम रेव करते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये ब्लू कलर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे बाइक में। एक और नई चीज़ हमने करवाई है यहाँ पे, एडीपी व्लॉग्स लिखवाया है दोनों तरफ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो भी वाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो बाइक काफ़ी अच्छी चमक रही है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। आप सभी लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, फटाफट से 10K सब्सक्राइबर करवा दीजिए दोस्तों, ताकि मैं गिव अवे शुरू कर सकूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे गिव अवे करूँगा मैं, छोटे मोटे रहेंगे लेकिन बहुत सारे करने वाला हूँ। तो प्लीज़ शेयर कर दिए चैनल को, प्लीज़ आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते रहेंगे इसी तरह के नए नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी यहाँ पे अंडरपास में आवाज सुनते हैं इसका अपने, काफी शानदार आवाज, पैसा वसूल आवाज आ रहा है भाई लोग।